हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। बहुत अच्छा लगा, नमस्कार। और भोजपुरी बातें के जितने भी दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज एक्सरे द इनर इमेज हिंदी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है, तो उस पर हम लोग आए हुए हैं। बेसिकली जो इसके प्रोड्यूसर हैं वो प्रदीप शर्मा जी, उनके साथ मैंने दो फिल्में इसके पहले की है एज ए डायरेक्टर। एक पहली फिल्म थी मेरी डमरू, खेसारी लाल यादव जी जिसके हीरो थे, और दूसरी फिल्म थी राज तिलक। तो दो फिल्मों का एसोसिएशन है हमारे इनके साथ, और ये फिल्म जो है एक्सरे द इनर इमेज, इसको प्रदीप शर्मा जी ने बनाया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बेटे को लेकर के बनाया है। फिल्म बहुत ही खूबसूरत बनाया उन्होंने, एक साइको थ्रिलर है फिल्म। फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी तरीके से कोई कमी नहीं रखी है प्रदीप शर्मा जी ने। और मेरी तरफ से उसके म्यूज़िक को सुनने के बाद, उसका ट्रेलर देखने के बाद ऑल द बेस्ट बोलूँगा, एंड डेफिनेटली ये फिल्म बहुत अच्छा करने वाली है। ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ एक्सरे। जब से खेसारी लाल यादव गए हैं बिग बॉस में, तब से मैं कंटिन्यू उसको फॉलो करता हूं, और प्रतिदिन वो टाइम निकाल करके उस जगह पे पहुंचता हूं कि घर पहुंचना है और बिग बॉस मुझे देखना है। खेसारी लाल यादव जी चूँकि मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और मेरा उनके साथ फिल्मों का एसोसिएशन बहुत अच्छा है। मेहंदी लगा के रखना, मैं सेहरा बांध के आऊँगा, डमरू, उसके बाद मेहंदी लगा के रखना 3, एंड देन अभी एक फिल्म करके आ रहा हूँ उनके साथ, बलमुआ कैसे थे, जब तो लगातार फिल्में मैंने उनके साथ की। अभी वो बिग बॉस में हैं और बिग बॉस में अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बोल कम रहे हैं, तो अगर बोल कम रहे हैं तो उसकी वजह ये है सबसे बड़ी कि एक गांव का आदमी, एक देहात का आदमी ऐसे लोगों के बीच में पहुंच गया है जहां की ना उसको कल्चर समझ में आ रही है, ना वहां की उन लोगों का तूतू में समझ में आ रहा है। और खेसारी लाल यादव हमेशा जाना जाता है अपने गाने की वजह से, अपनी इंटरटेनिंग एटीट्यूड की वजह से, अपने ह्यूमर की वजह से। वो कमाल का डांसर है, वो कमाल का सिंगर है, वो कमाल का स्टेज परफॉर्मर है, कमाल का एक्टर है, कमाल की कॉमिक टाइम है। और ऐसी विधाओं से जो आदमी युक्त है वो पहुंच गया एक ऐसे घर में जहां पे जा कर के और वो फंस गया है लोगों की तूतूमय में, लड़ाई में, और बेचारा बोल नहीं पा रहा है। पर मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि जिस दिन खेसारी लाल यादव को मौका मिलेगा अपनी कला के माध्यम से लोगों को इंटरटेन करने का, वो सब पे छा जाएगा। और खेसारी लाल यादव को आप वोट कीजिए उनको, क्योंकि वोटिंग एक माध्यम है जिसके थ्रू वो उसमें ज़्यादा दिनों तक रह सकते हैं। तो सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए उनको, ताकि आगे चल कर के वो और बेहतर परफॉर्म करें। हाँ, यही बात मैं बोला आपको कि एक्चुअली जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में वो अपने आप को अभी समझने में देर लगा रहे हैं। एक्चुअली मेरी ही फिल्म की वो शूटिंग कर रहे थे लंदन में, और वहाँ से डायरेक्ट लंदन से वो आए तो बिग बॉस के हाउस में चले गए। तो मेरे से जो वहाँ पे मेरी उनसे बातें हुई थी तो यही बोल रहे थे, भैया मैं पहले गेम को समझूंगा, लोगों को समझूंगा। पर मैंने उनको ये बताया था कि आप गेम को समझना सब कुछ, पर इतना देर मत लगाना कि आपको लोग ना समझ पाए कि आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। और ज़रूरत है उनको अभी अपने स्टैंड लेने की। हाँ, एक चीज़ है जो बाकी लोग लड़ रहे हैं, जैसे तूतू मैं कर रहे हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपस में लोगों की भिड़ंत हो रही है, इस टाइप की प्रवृत्ति उस इंसान की नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो इंटरटेन कर सकता है, वो इंटरटेनर है। और मैं भी राय दूंगा कि अपना स्वाभाविक जो स्वरूप है, उनका जो चरित्र है, उसको छोड़ करके और कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े नहीं, और खेसारी लाल अपने स्टैंड पे कायम रहें, जैसे हैं वैसे बने रहें, लोगों को इंटरटेन करते रहें, बस यही चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।